बच्चों बच्चों को को प्यार कैसे आप सब मैसी आप सब सब स्वागत करता हूं आज सेशन में और आज 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 जो हमने जर्नी जर्नी स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले आज उस जर्नी में हम हम अंतिम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं हैं एडवांस अकाउंट का आज हम कर रहे हैं जी सेशन, सेशन वन। बहुत सारे के में। और काफी सारे चैलेंजेस भी थे बट स्टिल ट्वेंटी वन सेशन फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट एंड एफ एम एस हम लेंगे और आज उस कड़ी में अंतिम सेशन पर हम आ पहुंचे एडवांस अकाउंट का सेशन नंबर ट्वेंटी वन है हमारा जी अंतिम सेशन जिससे पहले सभी चैप्टर्स और सभी ए एस जितने भी सिलेबस में हम सबको टच अपॉन कर चुके हैं और लास्ट के जो दो ए एस हमारे बचे हैं ए एस नंबर ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन उसकी बातचीत हम आज के सेशन में करने वाले हैं तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है एंड उम्मीद करता हूँ जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हैं दे ऑल विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी एंड दिम सेल्स एज वेल कि आप सब बच्चों ने इस कड़ी में मेरा साथ निभाया तो फटाफट से आज कंजूसी नहीं करेंगे सबसे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए प्रेस और जो नोट्स इन सेशन में यूज हो रहे हैं कहां से मिलेंगे जी टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर बने रहिए क्योंकि काफी सारी अमेजिंग चीजें नोट्स एक्सेट्रा हम वहां पर शेयर करते रहते हैं इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर तो बिना माता रानी के जयकारे के हम स्टार्ट नहीं करेंगे माता रानी की कृपा से ही हम यहां तक पहुंचे हैं अदरवाइज मनुष्य मित्र

एस नंबर ट्वेंटी सीधी सीधी बात कहते हैं कि भैया तुमने बुक्स में जो अमाउंट एसेट का कैरी कर रखा है वर्सेज जो उसकी फेयर वैल्यू बन रही है मार्केट में जरा उसको देखो एंड चेक करो कि क्या आपका अमाउंट बुक्स में ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ अगर ऐसा है तो आप क्या करो उसको कम कर दो इंपेयर दो ठीक है टेक्निकल टर्म्स नहीं बता रहा है बिल्कुल सिंपल रहा बताओ टेक्निकल टर्म्स अभी देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे और एस नंबर ट्वेंटी क्या कहता है एस नंबर ट्वेंटी है ये पहले से भी सी एंटर में था अब भी एंटर में एंड एसेट्स की तो तीन चीजों की बात करता है प्रोविजन किस केस में आपको प्रोविजन बनानी होगी कुछ केसेज में आपको लाइबिलिटी को प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखा दो कंटेंट लाइबिलिटी के तौर पर चलेगा एंड कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि अभी एसेट्स बने नहीं है लेकिन लग रहा है आने वाले पीरियड में बन सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट

था जी कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज फॉर प्लांट इफ द डिस्काउंट रेट इज टेन परसेंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ द नेट सेलिंग प्राइस इज सिक्स रुपये तो ये क्या टर्म्स है टर्मने थोड़ी देर पहले कहा था टेक्निकल टर्म्स तो पढ़ते आइए इसे समझते हैं क्वेश्चन कहता है जी एसेटे कैरिंग अमाउंट है हंड्रेड लैख बुक्स में इस समय सौ लाख का शोर है आपको इसे कंपेयर करना होता है किसके साथ

लेकिन आपका कैरिंग अमाउंट कितना है हंड्रेड आपका कैरिंग अमाउंट सो है जबकि रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ नब्बे है, तो आपने सौ का कैरी क्यों किया हुआ तो इस केस में इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपका टेन लाख रुपए का तो इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली कब आता है व्हेन द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट लेकिन हमसे इसमें वो ये नहीं पूछ रहा हमसे वैल्यू न्यून्यूज पूछ रहा है और रिकवरेबल अमाउंट पूछ रहा है ये दो चीजें हमें निकाल कर बतानी है तो वैल्यू न्यूज के लिए क्या करेंगे आपको इन फ्यूचर वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आइए देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो हमने ईयर लिख लिया जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ना इन सभी सालों में आपके कैश फ्लो आ रहे हैं क्वेश्चन ने बताया फिफ्टी लैख थर्टी थर्टी ट्वेंटी और ट्वेंटी और इकत्तीस मार्च दो हज़ार छह मतलब लास्ट ईयर में एक रेजिडुअल वैल्यू भी आपको आ रही है पांच लाख रुपए की डिस्काउंटिंग करनी है टेन परसेंट पर कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर पर वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो करेंगे पहले साल का पॉइंट नाइन जीरो नाइन फिर एट टू सिक्स सेवन फाइव वन सिक्स एट थ्री और सिक्स टू जीरो याद रखना ये वाला सेम यहां पर आएगा क्योंकि ये दोनों आपके फिफ्थ ईयर के फैक्टर हैं ईयर नंबर फाइव के हैं बच्चे गलती से यहां पर ईयर नंबर सिक्स का लिख देते हैं ये गलती नहीं करनी फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कीजिए ये वैल्यूज आ जाएंगे पुत्र आपकी इन सब का सम टोटल करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन यूज तो कितना है वन ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन टू सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लो इज वन ट्वेंटी नाइन टू जिसको वैल्यू इन यूज कहते हैं अब क्वेश्चन ने हमें कहा एक तो वैल्यू न्यूज निकाल दिया दूसरा रिकवरेबल अमाउंट मैंने क्या बताया रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द टू वैल्यू न्यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस सो आपका नेट सेलिंग प्राइस है प्राइसठ लाख तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर होगा वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का तो रिकवरेबल अमाउंट आपका वन ट्वेंटी इसके भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं बनता क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट कम है रिकवरेबल अमाउंट आपका ज्यादा है तो ऐसा प्रैक्टिकल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर पुत्र ठीक है जी अंतिम सेशन है जो भी बात है मुझे आज ही करनी होगी आज के बाद तो नहीं मिल पाएंगे तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हमारी क्लासेस ली होंगी एंड डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा आपको रेगुलर फास्ट ट्रैक जो भी आपने बैच लिया है कई बार बच्चे जब जब मैं पूरे भारत भर में मैराथन सेशन कंडक्ट करते हैं कहीं पर भी बच्चे मिलते हैं तो बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं सर आपके बारे में काश पता होता ना आपसे क्लास लेते तो हमने किसी और से क्लास ले ली तो मैं यही कहूंगा अगर आप बच्चों को हमारी टीचिंग पसंद आई क्योंकि मैं किसी भी और चीज में बिलीव नहीं करता मैं कहता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पब्लिसिटी ठीक है ना अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स को बताइए सो दैट वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन ले सके और हमारी क्लासेस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सी से जो है आप ले सकते हैं और साथ साथ पुत्र इंस्टाग्राम पर तो भी जुड़ जाना क्योंकि सेशन के बाद तो आप अपनी पढ़ाई में मजबूल हो जाओगे हम भी अपनी लाइफ में बस रहेंगे लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों के साथ हम टच में रहते हैं तो जब आप चार्टड अकाउंटेंट बनोगे जरूर बताना और उसके बाद भी अपनी लाइफ जर्नी में एक दूसरे के जो है हालचाल जानते रहेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी पुत्र जुड़ जाना तो सारे ना मेरे नाल आओ जी पुत्र इसे तनाल आप अगले क्वेश्चन से चलते हैं जी क्वेश्चन है ए एस ट्वेंटी नाइन का कहता है वेन शुड द प्रोविजन भी रेकोगनाइज तो एस नंबर ट्वेंटी नाइन में पैरा नंबर फोर्टीन के अंदर तीन कंडीशन लिखे कहते हैं भाई अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होगी ना तो आप इस इसको प्रोविजन बनाकर अपनी किताबों में ले आना क्या कंडीशन देखते हैं जी प्रोविजन शुड बी रिकोगनाइज व्हेन नंबर वन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मोर देन 50 परसेंट चांस ऑफ अक्रेंस मतलब ये चीज अभी तक लाइबिलिटी बनी नहीं है लेकिन हमें लग रहा है मोर देन 50 चांस है बन जाएगी इट इज प्रॉबेबल लग रहा है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन और जो पहले पॉइंट में लग रहा है कि ऑब्लिगेशन है है 50 चांस उसके लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होगा द इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि अपने एंड से हमारे एसेट्स जो है जाएंगे एंड जो अमाउंट जाएगा उसका रिलायबल एस्टिमेट भी बनाया जा सकता है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे इस चीज को प्रोविजन बनाकर अपनी बुक्स के अंदर ले आइए रेकोगनाइज कर लीजिए ठीक है वन मोर क्वेश्चन फ्यूचर में पता चलेगा अनसर्टेन है अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है सो इट्स अ पॉसिबल एसेट विच अराइजेस फ्राम द पास्ट इवेंट एक्सिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म बी मतलब more अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर निर्भर करता है और जो ये फ्यूचर इवेंट है दीज आर नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज और जो ऐसे फ्यूचर इवेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है तो ऐसे एसेट को हम अपना करंट एसेट नहीं बोल सकते कि हां ये मेरा एक्चुअल में एसेट बन गया इसको हम कहेंगे कंटीजेंट एसेट एंड इट इज नॉट डिस्कक्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लेकर आना इसको बट डिस्कलोज करेंगे कहां इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में सिर्फ आप इसको दिखा दो कि, कि हमें ऐसा लग रहा है ये हमारा एसेट बन सकता है जब एक्चुअल बन जाएगा फिर आप इसको अपनी बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ले आइएगा प्रश्न नंबर चार बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कहता है जी कंपनी है सन लिमिटेड इट हैज एंटर्ड इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूपी 5 करोड़ विद एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वन टू तो पांच करोड़ रुपए का सेल कॉन्ट्रैक्ट है सन लिमिटेड ने सामान सप्लाई करना होगा तो सेल वैल्यू पांच करोड़ एक्स लिमिटेड को कहता जी इस प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजेक्शन रुपए वन करोड़ तो एक करोड़ रुपए का हमें प्रॉफिट भी होगा नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स हैव टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर डेज इज टू थ्री तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसके पहले मंथ में हमें डिलीवरी करनी है सामान की इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन द शेड्यूल और अगर बाई चांस आप नहीं कर पाए ऐसे डिलीवरी कंपेंसेशन ऑफ वन एंड हाफ करोड इज टू बी पेड टू एक्स लिमिटेड डेढ़ करोड़ की कंपेंसेशन पेनल्टी लगेगी

ठीक है शुड प्रोविजन बी मेजरड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट पहला पॉइंट तो कह रहे हैं कि क्या आपको प्रोवाइड फॉर या मतलब प्रोविजन बना लेनी चाहिए दूसरा ये जो प्रोविजन बनाओगे कितने अमाउंट की होनी चाहिए शुड द प्रोविजन भी मेजर एज द एक्सेस ऑफ कंपन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट कंपेंसेशन कितनी थी डेढ़ करोड़ प्रॉफिट कितना था एक करोड़ तो कहता क्या हम इसमें से ये माइनस करके सिर्फ पचास लाख रुपए की जो है वो प्रोविजन बनाएं या पूरे डेढ़ करोड़ की बनाएं

सो ए एस नंबर ट्वेंटी नाइन प्रोवाइड्स दैट एन एंटरप्राइज अ प्रेजेंट ऑब्लीगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट विच रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स मतलब तीनों कंडीशन है जो हमने पिछले प्रश्न पड़ी एंड द एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लीगेशन तो प्रोविजन शुड भी रिकॉगोनाइज अब तीनों ही चीजें एंटरप्राइज अ प्रेजेंट ऑब्ली मोर देन फिफ्टी परसेंट चांस है अकरेंस का कि आप नहीं कर पाओगे हाँ जी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा क्या हाँ जी और तीसरा क्या उसका रिलायबल रिलायबलिसमेंट बना सकते हो हाँ जी डेढ़ करोड़ रुपए पता ही है सो सनलिटेड हैज द ऑब्लीगेशन To deliver the goods within the scheduled time, it is probable that you will fail to deliver the goods, and it is possible to estimate the amount of compensation as well. Therefore, Sun Limited should provide for the contingency amounting to one and a half.

बट बिंग फ्रॉम द फाइनेंस फील्ड और यार अकाउंटिंग सेंडर पढ़ रहे हैं तो हमें ए एस के हिसाब से बात करने की कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें तो ए एस ने जो टेक्निकल नेम पुत्र यहां पर दिया है वो है वर्चुअली सर्टेन सो वेन इट इज वर्चुअली सर्टेन जब आपको ऑलमोस्ट पक्का पक्का लग गया रीजनेबल सर्टेन से काम नहीं चलेगा रीजनेबल होता है के अंदर उस री को भी दिखा सकते हो। एक तो मैं दिखा रहा हूं प्रोविजन लेकिन तो एज अटी आ रहा है लेकिन उसके कॉरसपॉन्ग मान लो एक लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा और हमें लग रहा है कि एट्टी थाउजेंड रुपये का आ जाएगा तो आप उसे दिखा सकते हो लेकिन कब कहता अगर वर्चुअली सर्टेन हो तो करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए ठीक है जी तो इसी के साथ हमारा आज के सेशन भी खत्म होता है बहुत मजा आया इस जर्नी में आप लोगों के साथ एंड बस अब बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेशन और एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको लगेगा मैं कौन से क्वेश्चन करूं तो आपके पास हर चैप्टर का हर ए का कम से कम एक क्वेश्चन इन सेशन में आपको जरूर मिलेगा ऑब्वियसली एक से ज्यादा है लेकिन मिनिमम मैंने एक कह दिया तो आप इन सेशन को देख सकते हैं सारी पीडीएफ सारे सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे और जब मैंने नोट्स बनाए तो पूरा हर्ट एंड सोल अपना डाला है कि बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रेजेंटेशन से नोट्स बना सकूं सो so देट आपके लिए काफी जो है उत्तर लाभदायक हो जाए ठीक जी थे, इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम बाय